हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपराध शास्त्र के अपराध की प्रारूपवादी व्याख्या। मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है क्योंकि मैंने आइसक्रीम वगैरह ज़्यादा खा ली इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो वीडियो मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट बनाने वाली हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा है। ये सिर्फ दो नंबर में या ऐसे दो नंबर में ही पूछा जाता है ज़्यादातर। तो अपराध की प्रारूपवादी व्याख्या हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि अपराधियों में कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी वीडियो अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी नोट्स, जहाँ पर आपको मिलती हैं यूट्यूब पे सोशियोलॉजी नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज और बीएड नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज। तो जो लोग भी अभी सोशियोलॉजी की टॉपिक सर्च कर रहे हैं या उनको कॉन्टेंट चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो आप प्लीज़ अपना प्यार सा कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही है। तो प्लीज़ अपना कमेंट कीजिए कि आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपका हर एक कमेंट मैं ज़रूर रीड करती हूँ, उसका रिप्लाई भी करती हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई टॉपिक है सोशियोलॉजी से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो आपको बनाकर दे सकती हूँ। तो अभी जितने लोगों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक उन सभी के लिए, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे से मार्क्स लेकर आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि अपराधियों में कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। अर्थात अपराधी व्यक्तित्व तो सामान्य व्यक्तित्व से भिन्न होता है। मतलब जो अपराधी का व्यक्तित्व होता है वो सामान्य व्यक्ति से थोड़ा भिन्न होता है। मतलब वो देखने में तो नॉर्मल व्यक्ति लगता है, लेकिन जब हम उसके साथ रहने लगते हैं या उसके साथ हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमें पता लगता है कि वो हमारी पर्सनैलिटी से थोड़ा सा भिन्न अलग है। ठीक है, एकदम से आप किसी अपराधी को नहीं पहचान सकते कि अपराधी प्रवृत्ति का है, व्यक्ति तत्व से भिन्न होता है। अपराधी के ये विशेष लक्षण अर्थात मानव शास्त्रीय रूपाकृति ही उसे अपराध करने के लिए प्रेरित करती है। यह संप्रदाय यह भी मानता है कि विशेषताएं चाहे शारीरिक हों या मानसिक जन्मजात होती हैं। मतलब उन अपराध शास्त्रियों का मानना यह है कि जो भी लक्षण हमारे अपराधी के अंदर आते हैं वो कहीं ना कहीं जन्मजात होते हैं इस सिद्धांत के समर्थक अपराध की व्याख्या में सामाजिक कारकों की भूमिका को पूरी तरह से नकार देते हैं। मतलब वो ये बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हैं कि जो समाज है वो अपराध करने में लोगों को उत्सुक करता है या प्रेरित करता है अपराध करने के लिए। वो ये मानते हैं कि अगर अपराध करता है कोई व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का है तो उसके अंदर जो लक्षण है वो उसके जन्मजात हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के समर्थक अपराध की व्याख्या में सामाजिक कारकों की भूमिका को पूरी तरह से नकार देते हैं। तो जन्मजात अपराधी जन्मजात होते हैं ये किसने बोला है? लंब्रोसो ने। ठीक है, अपराध की व्याख्या में सामाजिक कारकों की भूमिका को पूरी तरह से नकार देते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक अनेक प्रकार के लक्षणों को अपराध का कारण मानते हैं। मतलब वो बहुत सारे कारणों को अपराध का कारण मानते हैं। मतलब पारिवारिक लक्षण हो गए हैं, उनके मानसिक लक्षण हो गए हैं, उनके अंदर प्रवृत्ति जन्मजात या आनुवंशिक लक्षण हो गए हैं। इस सिद्धांत के समर्थक अनेक प्रकार के लक्षणों को अपराध के कारण मानते हैं। इसके कारण इसकी अनेक शाखाएँ विकसित हो गई जिनमें प्रत्यक्षवादी अथवा इटालियन सिद्धांत, मानसिक परीक्षण सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रमुख हैं। तो ये है कि अपराध की प्रारूपवादी व्याख्या, अपराध की मानव शास्त्रीय व्याख्या। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपराध की मानव शास्त्रीय व्याख्या। तो और भी आपको अपराध शास्त्र से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहिए, वैसे तो मैंने बहुत सारे टॉपिक अपराध शास्त्र के ऊपर अपलोड किए हुए हैं, आप मेरी क्रिमिनोलॉजी वाली जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके आप देख सकते हैं, वीडियो आपको हेल्पफुल होंगी जो भी लोग क्रिमिनोलॉजी से सोशियोलॉजी कर रहे हैं उनके लिए, या यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। मेरे सोशियोलॉजी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो आप लोग देख सकते हैं, आपको हेल्प करेंगी कहीं ना कहीं। और वीडियो बिल्कुल फ्री है, आप पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी मानव शास्त्रीय प्रारूप की व्याख्या। ठीक है, तो जेल व्यवस्था सुधार भी एक टॉपिक मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, बिल्कुल डीप टॉपिक होगा जिसमें मैं पूरी तरह से आपको अच्छे से समझाऊंगी जेल सुधार व्यवस्था क्या है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी